बीसीडी टेक के इस भाग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यह है शॉमी का रेडमी नोट 7 प्रो और इस फोन को यूज करते करते लगभग 4 दिन गुजर चुके हैं और इन बीते 4 दिनों में मैंने इस फोन के कैमरे को टेस्ट किया है, इस फोन की परफॉर्मेंस को टेस्ट किया है, इस फोन के बैटरी बैकअप को टेस्ट किया है, चार्जिंग को टेस्ट किया है, इस फोन पर गेमिंग की है, इस फोन के जो कुछ इश्यूज मुझे लोग बता रहे थे, आप लोग बता रहे थे, उनके बारे में भी देखा है और यहाँ पर बहुत सारी चीजें दोस्तों मैंने इस फोन के साथ की हैं। तो अब दोस्तों बिल्कुल सही समय है इस फोन के बारे में आपको बताने का, आपके क्वेश्चंस को लेने का और आपको उन सभी क्वेश्चंस का आंसर देने का। तो अगर दोस्तों आपका कोई सवाल है जो कि इस वीडियो में मिस हो जाता है तो आप दोस्तों मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं कोशिश करूंगा कि एक सेपरेट वीडियो में आपके उन सारे क्वेश्चंस का आंसर दे दूँ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। मैं हूं डॉक्टर भुवेश और आप देख रहे हैं बीसीडी टेक यूट्यूब चैनल को। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक बीसीडी टेक को सब्सक्राइब नहीं किया तो अपने यूट्यूब ऐप पर सर्च करें बीसीडी टेक और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ पर मुझे किसी भी कंपनी ने कोई पैसा नहीं दिया है कि यहाँ पर मैं इस फोन की तारीफ करूँ या फिर इस फोन की जो बुराइयां करूं। तो यहां पर मुझे किसी भी कंपनी से कोई पैसा नहीं मिला है। यहां पर जो भी मेरी ऑब्जर्वेशन है इस फ़ोन को लेके मैं वही आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो यहां पर बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे मिले हैं इस फ़ोन के बारे में, तो आइए चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के ऊपर। सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों यही है कि इस फ़ोन में क्या वो 3 बड़ी प्रॉब्लम्स जो कि आजकल इंटरनेट में छाई हुई हैं, लोग कह रहे हैं कि इस फ़ोन का जो डिस्प्ले है वो फ्लिकर करता है लो ब्राइटनेस में, यहाँ पर LED नोटिफिकेशन लाइट है जो नीचे की साइड को है ये आपकी डेड है और आपको स्क्रीन ब्लीडिंग का इशू मिलता है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं उन सभी से कह देता हूँ जिन वीडियोस में आपको ये मिल रहा है कि ऐसा कोई इशू है, उन वीडियोस में दोस्तों जो Xiaomi का Redmi Note 7 Pro यूज़ हो रहा है वो एक रिव्यू यूनिट है, मतलब कि एक फाइनल वर्जन नहीं है। तो यहाँ पर होता है कई बार जब जो फ़ोन है वो लॉन्च होने जा रहा होता है, मतलब कि अभी वो अच्छे से लॉन्च नहीं हुआ है, मार्केट में नहीं पहुंचा हुआ है, तो ऐसे केस में दोस्तों कुछ प्रोटोटाइप्स बनते हैं जो कि बांटे जाते हैं रिव्यूअर्स को, टेक ब्लॉगर्स को और यहाँ पर काफ़ी सारे मीडिया पर्सन को। तो उन फोन्स में प्रॉब्लम हो सकती है बट एक एंड यूज़र को, मतलब कि एक फाइनल कंज्यूमर को जो फ़ोन मिलता है उनमें दोस्तों कोई भी इश्यूज़ नहीं होते हैं इस टाइप के। तो यहाँ पर मैंने फिजिकली इस फ़ोन के डिस्प्ले को चेक किया है, मुझे कोई फ्लिकरिंग नहीं मिली है। इवन अगर मैं लाइट को, मतलब कि डिस्प्ले को काफ़ी डिम कर दूँ तो ऐसे केस में जो डिस्प्ले है वो फ्लिकर नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर फ्लिकरिंग वाला इशू तो दोस्तों मुझे नहीं मिला है। बाकी जो डेड नोटिफिकेशन लाइट है, तो मैंने दोस्तों इस फ़ोन का एक चार्जिंग टेस्ट भी किया है जिसमें मैंने टेस्ट किया कि ये फ़ोन क्या सच में क्विसी 4.0 को सपोर्ट करता है। तो वहाँ पर आपने देखा ही होगा, तो उस केस में दोस्तों जो डेड लाइट वाला, मतलब डेड LED नोटिफिकेशन वाला, वो इशू दोस्तों मुझे देखने को नहीं मिला है। और दोस्तों जो यहाँ पर कह रहा है कि स्क्रीन ब्लीडिंग हो रही है, तो ऐसा कोई इशू मुझे अपने इस फ़ोन में देखने को नहीं मिला है। तो यहाँ पर हो सकता है कि जो डिवाइस उन लोगों को मिली है उनमें ये इश्यूज़ हो और वहाँ पर वो जो डिवाइस है वो आपकी एक प्रोटोटाइप डिवाइस हो, तो ऐसे केस में उनमें वो प्रॉब्लम हो सकती है। बट एक एंड कंज्यूमर को, मतलब कि जो फाइनली इन फोन्स को खरीदेगा, तो उन फोन्स में ये दिक्कत नहीं है, स्क्रीन ब्लीडिंग की कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पर ये तीनों इश्यूज आपको इस फोन में देखने को नहीं मिलेंगे। अब दोस्तों दूसरा क्वेश्चन जो कि काफ़ी सारे लोगों ने यहाँ पर मुझसे पूछा है कि क्या ये फ़ोन फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, जैसे कि कंपनी दावा करती है कि ये फ़ोन क्विसी 4.0 को सपोर्ट करता है, और क्विसी 4.0 में इस फ़ोन का चार्जिंग टाइम कितना है, और क्या हमें या फिर आप लोगों को क्विसी 4.0 वाला चार्जर ले लेना चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने टेस्ट किया इस फ़ोन को क्विसी 4.0 के लिए, ऑल्दो मेरे पास अडेप्टर नहीं है, 3.0 वाला एडेप्टर है। तो यहाँ पर मैंने उस वीडियो में आपको बताया कि क्या आपको डिफरेंस मिलेगा 4.0 और 3.0 में। तो यहाँ पर 3.0 को तो ये सपोर्ट करता है, बाकी 4.0 के बारे में दोस्तों मैं यही कहूँगा कि ये फ़ोन सपोर्ट करता होगा जैसे कि कंपनी दावा कर रही है, क्लेम कर रही है, बट मुझे अभी तक कोई 4.0 वाला चार्जर या फिर एडेप्टर नहीं मिला है। मैंने ऑर्डर किया है और जब दोस्तों मुझे मिल जाएगा तो मैं आपको 4.0 के बारे में भी बता दूंगा, बट अभी तक के लिए दोस्तों ये फ़ोन क्विसी 3.0 को सपोर्ट करता है। और यहाँ पर चार्जिंग टाइम की बात करें तो लगभग 1.5 से 2 घंटे में ये फ़ोन फुल चार्ज हो जाता है। ये डिपेंड करता है कि आपने फ़ोन में क्या डाल रखा है, कितनी बैकग्राउंड में एप्लीकेशन चल रही हैं और फ़ोन का जो पावर रेटिंग है वो कितनी है। तो यहाँ पर लगभग 1.5 से 2 घंटे में ये क्विसी 3.0 में फुल चार्ज हो जाता है। जबकि दोस्तों नॉर्मल चार्जिंग की बात करते हैं तो यहाँ पर जो 10 वाट का चार्जर आपको बॉक्स में मिलता है उससे ये फ़ोन लगभग 2 घंटे 2.25 घंटे में चार्ज हो जाता है। तो यहाँ पर लगभग आपको आधे घंटे तक का बेनिफिट मिलता है अगर आप क्विसी 3.0 वाला चार्जर लेते हो। तीसरा क्वेश्चन जो कि दोस्तों काफ़ी सारे लोगों ने यहाँ पर इस फ़ोन के बारे में पूछा है कि इस फ़ोन का कैमरा कैसा है, तो यहाँ पर नो डाउट
इस फोन का जो रियर कैमरा है वो काफ़ी बढ़िया है, आपको दोस्तों काफ़ी बढ़िया इमेज कैप्चर करके देता है। मैंने दोस्तों इस फ़ोन के रियर कैमरे से कुछ स्लो मोशन वीडियोस को भी कैप्चर किया था, तो आप देख लीजिए काफ़ी कमाल की ये स्लो मोशन वीडियोस को भी कैप्चर करता है। और यहाँ पर दोस्तों एग्जैक्टली 48 मेगापिक्सल की बात करें तो नो डाउट इस फ़ोन का जो 48 मेगापिक्सल का सेंसर है वो काफ़ी कमाल का है। ऑल्दो अभी आपको और भी फोन्स मिलेंगे जिसमें 48 मेगापिक्सल का सोनी का IMX सेंसर होगा और उनमें भी आपको दोस्तों बिल्कुल सिमिलर इसी टाइप की परफॉर्मेंस मिलेगी, बट अभी तक के लिए इसी फोन में आपको इस प्राइस सेगमेंट में 48 मेगापिक्सल का सेंसर मिलता है, तो नो डाउट इस फोन का जो रियर कैमरा है वो काफ़ी बढ़िया है। बाकी दोस्तों फ्रंट कैमरे की बात करें तो यहाँ पर थोड़ा बहुत दोस्तों मैंने देखा है कि जो फ्रंट कैमरा है उतना खास नहीं है जो मैं यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहा था फ्रंट रिकॉर्डिंग से देख के, तो यहाँ पर लग रहा था कि दोस्तों जो फ्रंट कैमरा है वो थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है, बाकी रियर कैमरे में दोस्तों इस फोन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। चौथा क्वेश्चन जो कि आप में से काफ़ी सारे लोगों ने मुझे इस फोन के बारे में पूछा है, वो पूछा है इस फोन के फ्रंट एंड बैक ग्लास के बारे में। तो यहाँ पर दोस्तों नो डाउट फ्रंट एंड बैक में आपको काफ़ी टफ ग्लास मिलता है, बट दोस्तों ये इतना भी टफ नहीं है कि ये स्क्रैच ना हो पाए। तो यहाँ पर अगर आप इस फोन के डिस्प्ले को और बैक को विदाउट प्रोटेक्शन यूज़ करोगे, नॉर्मली पॉकेट में लेके कैरी करोगे, बैग में लेके कैरी करोगे, तो ऐसे केस में जो फ्रंट एंड बैक ग्लास है वो आराम से स्क्रैच हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों ये नहीं है कि आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन मिली है तो जो डिस्प्ले है वो स्क्रैच नहीं होगा, जो बैक है वो स्क्रैच नहीं होगा, यहाँ पर स्क्रैचिंग होगी, नॉमिनल होगी। और ये दोस्तों हर किसी गोरिल्ला ग्लास में होती है, तो यहाँ पर स्क्रैचिंग के मामले में ये हमने देखा है कि जैसे जैसे जो वर्जन है वो बढ़ता चला जा रहा है, मतलब कि 5 से 6, 6 से अब 7 आएगा, तो यहाँ पर नो डाउट जो ग्लास है वो टफ हो रहा है, मतलब कि अब गिरने में टूटता नहीं है, बट दोस्तों जैसे जैसे टफ हो रहा है वैसे वैसे ये दोस्तों ज़्यादा स्क्रैच वाला बन रहा है। तो यहाँ पर गोरिल्ला ग्लास 5 आपका नो डाउट काफ़ी टफ है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, गिरने में ये इतनी आसानी से टूटता नहीं, बट ये स्क्रैच हो जाता है। तो आपको दोस्तों फ्रंट एंड बैक दोनों प्रोटेक्शन रखनी है अगर आप फ़ोन को लंबे समय तक यूज़ करना चाहते हो। बाकी दोस्तों इतना भी ये कोई स्क्रैच नहीं होता है कि आप अगर नहीं लगाते हो तो ऐसे केस में जो आपका फ़ोन है वो पूरा ही ख़राब हो जाए, ऐसा नहीं होगा, बट आपको स्क्रैचेस, कुछ माइनर स्क्रैचेस, कुछ माइक्रो स्क्रैचेस आपको डिस्प्ले या फिर बैक साइड में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आप में से काफ़ी सारे लोग मुझसे जानना चाहते हैं वो है दोस्तों इस फ़ोन का बैटरी बैकअप। तो यहाँ पर दोस्तों फ़ोन को लगभग मैं 4 दिनों से यूज़ कर रहा हूँ और इन 4 दिनों में दोस्तों मैंने इस फ़ोन को सिर्फ 2 ही बार चार्ज किया है। तो नॉर्मली एक बार चार्ज करने के बाद ये फ़ोन लगभग 1.5 से 2 दिन चल जाता है। अब दोस्तों मेरा जो यूजेज है उतना ज़्यादा नहीं है, मैं पबजी खेल रहा था बस टेस्टिंग पर्पज़ के लिए, आधा घंटा मैंने गेमिंग की है, साथ में दोस्तों मैंने काफ़ी सारा इंटरनेट सर्फ किया है, वाईफाई पर भी किया है, 3G 4G पर भी किया है, तो यहाँ पर नॉर्मल यूज़ में लगभग मुझे 1.5 से 2 दिन तक का बैकअप मिल जाता है। बाकी दोस्तों ये आपके यूजर्स पर डिपेंड करता है कि अगर आप ज़्यादा ही एप्लीकेशन डाल देते हो, SBI की एप्लीकेशन भी है, अपनी बैंकिंग भी कर रहे हो, साथ में शॉपिंग भी कर रहे हो और साथ में दोस्तों आप मूवीज़ भी देख रहे हो, गाने भी सुन रहे हो, तो ऐसे केस में भी हो सकता है कि आपको कम बैकअप मिले, बट नॉर्मली मतलब कि एक नॉर्मल यूजर्स में ये आपको 1.5 दिन तक का बैकअप दे देता है। नेक्स्ट थिंग दोस्तों जो कि आप इस फ़ोन के बारे में जानना चाहते हो वो है दोस्तों इस फ़ोन का डिस्प्ले। तो यहाँ पर दोस्तों जो डिस्प्ले है वो काफ़ी बढ़िया है, ऑल्दो उतना भी बढ़िया नहीं जितना कि दोस्तों आपका एमोलेड होता है, बट यहाँ पर आपको काफ़ी बढ़िया डिस्प्ले दिया गया है, जो नॉच है वो भी काफ़ी कम है, बेजल भी आपकी ऊपर साइड से कम है, नीचे से थोड़ी सी चिन ज़्यादा है, बाकी दिखने में ये फ़ोन आगे से मतलब कि डिस्प्ले वाइज काफ़ी बढ़िया लग रहा है। बाकी इसकी जो डे लाइट परफॉर्मेंस है, मतलब कि आउटडोर परफॉर्मेंस है हाई ब्राइटनेस एनवायरनमेंट में, वो भी काफ़ी अच्छी है, ऑटोमेटिक जो एम्बिएंट लाइट के हिसाब से जो अपना ये ब्राइटनेस सेट कर लेता है वो भी काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है, तो यहाँ पर डिस्प्ले काफ़ी बढ़िया है। बाकी काफ़ी लोग यहाँ पर कंप्लेन कर रहे हैं कि लो लाइट में मतलब कि अगर आप डिस्प्ले की ब्राइटनेस को काफ़ी कम कर देते हो तो ऐसे केस में जो डिस्प्ले वो फ्लिकर करते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों मैंने खुद पर्सनली चेक किया, मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली है, कोई फ्लिकरिंग नहीं हो रही है। और यहाँ पर कई लोग कह रहे हैं कि स्क्रीन में ब्लीडिंग हो रही है, तो यहाँ पर ब्लीडिंग जैसा भी मुझे कोई चीज़ देखने को नहीं मिली है, देर इज़ नो ब्लीडिंग ऑन द बिलो साइड, जहाँ पर जो लाइट एमिटिंग डायोड्स होती हैं वो आपकी डिफ्यूज़ होती हैं, तो कोई भी यहाँ पर ब्लीडिंग नहीं है। मे बी हो सकता है कि जिन यूनिट्स में ये जो डिस्प्ले वाली प्रॉब्लम देखने को मिली है वो आपके एक प्रोटोटाइप वर्जन हो, तो शायद उनमें दिक्कत थी, बट जो एक फाइनल कंज्यूमर को मिलेगा, मतलब हम लोगों को जो मिलेगा उसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट थिंग जो कि आप यहाँ पर इस फ़ोन के बारे में जानना चाहते हो वो है ये USB पोर्ट। तो यहाँ पर मैं आपको पहले बता देता हूँ, ये USB 2.0 पोर्ट है, मतलब कि 3.0 वाला नहीं है, तो आप दोस्तों इसके थ्रू चार्जिंग कर सकते हो, डाटा ले सकते हो, OTG डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हो, साथ में अपने
हेडफोन को भी कनेक्ट कर सकते हो, बट HDMI की जो आउटपुट है वो नहीं ले सकते हो। तो यहाँ पर नो डाउट ये जो पोर्ट है ये आपका और चीज़ों को सपोर्ट करता है, बट ये आपका USB 2.0 पोर्ट। नेक्स्ट थिंग दोस्तों, यहाँ पर आप लोग जानना चाहते हो इस फ़ोन के सिम ट्रे के बारे में, तो यहाँ पर जो लोग नहीं जानते उनको मैं बता देता हूँ, इस फ़ोन के अंदर है हाइब्रिड सिम स्लॉट, मतलब कि आप एट ए टाइम या तो दो सिम चला लीजिए या फिर एक सिम के साथ एक SD कार्ड को। और अगर आपको दो सिम के साथ SD कार्ड को साइमल्टेनियसली चलाना है तो आपको एक अडेप्टर लेना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आप लोग इस फ़ोन के बारे में जानना चाहते हो कि क्या ये फ़ोन वाटर रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपसे कहूँगा कि ये फ़ोन बिल्कुल भी वाटर रेजिस्टेंस नहीं है, बस यहाँ पर स्प्लैश प्रूफ है, मतलब कि थोड़ा बहुत पानी गिरेगा अगर आप हल्का सा डुबा के निकाल लेते हो तो इस फ़ोन में ज़्यादा कुछ होगा नहीं। बट यहाँ पर मैं रेकमेंड करूँगा कि आप ऐसा भी कुछ ना करें इस फ़ोन के अंदर, ऑल दो आपको नीचे की साइड को ऊपर की साइड को हर जगह पर कुछ रबर की गैसकेट्स मिल जाएगी, इवन सिम ट्रे में आप देख ही रहोगे। तो यहाँ पर ये फ़ोन स्प्लैश प्रूफ है बट ये आपका वाटर प्रूफ नहीं है, तो नॉर्मली अगर आप इस फ़ोन को पानी में गिरा देते हो तो चांसेस रहते हैं पानी के अंदर जाने के, तो ये फ़ोन बिल्कुल भी वाटर रेजिस्टेंस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि इस फ़ोन के बारे में काफ़ी कॉमनली पूछा गया है कि इस फ़ोन की परफॉर्मेंस कैसी है, गेमिंग एक्सपीरियंस कैसा है और टेम्परेचर प्रोफाइल कैसा है, तो यहाँ पर दोस्तों इस फ़ोन का जो AnTuTu स्कोर है वो है 1.81 लाख, तो नो डाउट परफॉर्मेंस इस फ़ोन की काफ़ी बढ़िया है। इस फ़ोन पर PUBG काफ़ी स्मूथली चलती है, HD सेटिंग पर आप फुल फ्रेम रेट पर इस पर PUBG खेल सकते हो, आपको कोई भी फ्रेम ड्रॉप देखने को नहीं मिलेगा, गेम एक्सपीरियंस भी काफ़ी बढ़िया है, ग्राफिक्स भी काफ़ी बढ़िया हैं। और यहाँ पर टेम्परेचर प्रोफाइल में दोस्तों ये फ़ोन थोड़ा सा गर्म होता है, यहाँ पर मैंने फिजिकली बैक पैनल को देखा है काफ़ी गर्म हो जाता है जब आप इस पर PUBG चलाते हो, आधे घंटे तक की गेमिंग होती है जैसे कि आप सभी जानते हो, तो आधे घंटे की गेमिंग में जो बैक पैनल है वो काफ़ी गर्म हो जाता है। और नो डाउट आगे में मतलब कि यहाँ पर डिस्प्ले LEDs होती हैं, यहाँ का टेम्परेचर भी बढ़ता होगा, तो यहाँ पर परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया है, गेमिंग भी काफ़ी बढ़िया है और टेम्परेचर के मामले में दोस्तों ये फ़ोन थोड़ा बहुत गर्म होता है। और फाइनली एक क्वेश्चन जिसका आंसर दोस्तों मैं कई बार आपको पहले भी दे चुका हूँ कि क्या ये फ़ोन लेने लायक है, तो यहाँ पर दोस्तों डेफिनेटली ये फ़ोन लेने लायक है, अभी के लिए कह रहा हूँ, हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में इससे भी बढ़िया फ़ोन आ जाए इसी प्राइस सेगमेंट में, बट अभी तक के लिए इस प्राइस सेगमेंट का ये काफ़ी दमदार फ़ोन है। आपको बढ़िया कैमरा मिल रहा है, बढ़िया डिस्प्ले मिल रहा है, बढ़िया प्रोटेक्शन मिली है, USB-C टाइप पोर्ट की सपोर्ट मिल रही है, बड़ी बैटरी मिल रही है, फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट मिल रही है, तो डेफिनेटली ये फ़ोन लेने लायक बनता है। बाकी दोस्तों इस फ़ोन में छुटपुट सी कुछ दिक्कतें हैं, जैसे कि फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट तो है बट आपको चार्जर 10 वाट वाला मिलता है, 4000 mAh की बैटरी है जो कि नॉर्मली आपको आजकल हर किसी फ़ोन में देखने को मिल जाती है, तो यहाँ पर उतनी भी बड़ी बैटरी नहीं है, अगर 5000 mAh की होती तो शायद बढ़िया होता, तो इस टाइप को भी दोस्तों यहाँ पर इसके ऊपर सवाल बन रहा है। और यहाँ पर डिस्प्ले लेआउट के ऊपर भी काफ़ी सारा सवाल लोग यहाँ पर रेज कर रहे हैं, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स हैं आपको और भी ब्रांड्स में देखने को मिलेंगी, मतलब कि वहाँ पर तो आपको बैटरी बड़ी मिल जाती है बट जो चार्जिंग टेक्निक है वो स्लो है, तो यहाँ पर दिक्कतें हैं इस फ़ोन में, बट दोस्तों अभी तक ले इस प्राइस सेगमेंट का ये काफ़ी दमदार फ़ोन है और ख़रीदने लायक फ़ोन है। बाकी दोस्तों आप मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या ये फ़ोन सच में लेने लायक है, और अगर आप दोस्तों इस फ़ोन को लेते मतलब कि अगर लेने की सोचते तो किस वजह से लेते, और अगर आप इस फ़ोन को नहीं लेते तो किस वजह से, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो मैं अब इसी के साथ इस वीडियो एपिसोड को यहीं पर समाप्त करने जा रहा हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आए, अगर पसंद आती है तो लाइक तो बनता है, शेयर भी कर देना ताकि और लोग भी जान पाएँ Xiaomi Redmi Note 7 Pro के बारे में और जान पाएँ अपने सवालों के आंसर के बारे में। तो मैं आपसे अब विदा चाहता हूँ, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।